हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज, आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज, आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर कौन सा बड़ा मैच फाइनली कंफर्म हो चुका है, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर वन कंटेंडर टूर्नामेंट के रिजल्ट्स क्या रहे। हाउस ऑफ ब्लैक के रिटर्न को लेकर मेरे पास आपके लिए एक अपडेट है। और गाइज, AEW कंपनी भी शायद धीरे धीरे CM Punk को अपनी कंपनी से रेज कर रही है। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज, अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जरा सबसे पहले ही बात करते हैं AEW कंपनी के वीडियो गेम की। क्योंकि गाइज, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी के गेम्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि AEW कंपनी एक कंसोल वीडियो गेम के ऊपर काम कर रही है जिसका नाम है AEW फाइट फॉरएवर। और गाइज, हमें ये वीडियो गेम AEW कंपनी काफी जल्दी रिलीज करती हुई दिखाई देने वाली है, जहां पर इस वीडियो गेम की रिलीज डेट को लेकर अब तक AEW कंपनी ने कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की। लेकिन गाइज, इस वीडियो गेम को लेकर थोड़े फार फुटेजेस हाल फिलहाल में AEW कंपनी ने एक गेमिंग लाइव इवेंट के अंदर शेयर किए थे, जहां पर हम देख पा रहे थे कि गाइज, AEW कंपनी की इस फाइट फॉरएवर वीडियो गेम का गेम प्ले बहुत ही बढ़िया है। पर इसके साथ इस साल की फुल गेयर पेपरी के वीकेंड के ऊपर AEW कंपनी ने फाइनली अपने इस वीडियो गेम का फर्स्ट एवर ट्रेलर लॉन्च कर दिया है, जो ट्रेलर आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर चेकआउट कर सकते हैं। और गाइज, इस ट्रेलर के अंदर AEW कंपनी ने अपने इस वीडियो गेम को लेकर काफी सारे नए नए कैरेक्टर्स रिवील कर दिए हैं, जो कि हाल फिलहाल में आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि इस वीडियो गेम के काफी सारे मॉडल्स कैसे दिखाई दे रहे हैं। पर मेरे हिसाब से AEW कंपनी ने अपने इस वीडियो गेम के अंदर पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट की है और प्रॉबेबली हमें AEW कंपनी की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया वीडियो गेम देखने को मिल सकता है। पर फिर एक बार AEW कंपनी ने इस वीडियो गेम की रिलीज डेट शेयर नहीं की, क्योंकि यहाँ पर AEW कंपनी बता रही थी कि वीडियो गेम काफी जल्दी आने वाला है, जहाँ पर मेरे हिसाब से प्रॉबेबली वीडियो गेम हमें नेक्स्ट ईयर ही लॉन्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। पर गाइज, इसी वीडियो गेम के अंदर AEW कंपनी ने काफी बड़ा चेंज कर दिया है और ये चेंज इस वीडियो गेम के कवर को लेकर है। क्योंकि हाल ही में जो AEW कंपनी ने अपने वीडियो गेम का ट्रेलर शेयर किया है, तो उस ट्रेलर के अंदर AEW कंपनी ने ये कवर रिवील किया। पर अगर आप इस वीडियो गेम को काफी पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस वीडियो गेम का ओरिजिनल कवर ऐसा था, जहां पर हमें CM Punk बीच में दिखाई दे रहे थे। पर गाइज, प्रोबेबली CM Punk AEW कंपनी से जा चुके हैं और इसीलिए AEW कंपनी ने सरप्राइजिंगली यहां पर CM Punk को प्रमोट करना बंद कर दिया है और AEW कंपनी ने CM Punk को अपने इस वीडियो गेम के कवर से निकाल दिया है, जहां पर भी इस वीडियो गेम के कवर के ऊपर CM Punk की जगह केनी ओमेगा आ चुके हैं और यहां पर 5-6 सुपरस्टार से ज्यादा सुपरस्टार फीचर है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि AEW कंपनी प्रोबेबली CM Punk को अपनी हिस्ट्री से इरेज कर रही है, जिसके बारे में आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज, जहां तक बात है मेरी, तो मेरे हिसाब से AEW कंपनी ने जो किया वो अपने ब्रांड वैल्यू को देकर काफी अच्छा है। पर CM Punk इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी के बाद मैं चाहता हूँ कि गाइज, हमें AEW कंपनी के फाइट फॉरएवर वीडियो गेम के अंदर CM Punk का प्लेएबल कैरेक्टर देखने को मिले, जो AEW कंपनी ने ओरिजिनली तो इन्वॉल्व किया था। पर अब देखना पड़ेगा कि CM Punk AEW कंपनी से जा चुके हैं तो क्या इसके साथ ही CM Punk का कैरेक्टर भी AEW कंपनी के वीडियो गेम से जाता है या नहीं। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप इस वीडियो गेम के अंदर CM Punk को देखना चाहते हैं या नहीं। पर मेरे हिसाब से इस वीडियो गेम के अंदर CM Punk होने चाहिए, क्योंकि वो भी इस वीडियो गेम को सेल करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। पर गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर वन कंटेंडर टूर्नामेंट की हालत क्या है और इस टूर्नामेंट के अंदर कौन से सुपरस्टार्स फाइनल्स के अंदर पहुंचे हैं। और गाइज, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इस साल के AEW कंपनी के फुल गियर पेपरियो का रिव्यू करते समय फुल गियर पेपरियो के बाइंग शो का रिव्यू नहीं किया। और अगर आपने फुल गियर पेपरियो का बाइंग शो नहीं देखा तो गाइज, मुझे लगा कि आपको ये बात बतानी चाहिए कि फुल गियर पेपरियो के बाइंग शो के ऊपर क्या हुआ और अब हमें इस टूर्नामेंट के अंदर कौन सा सुपरस्टार आगे बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। क्योंकि गाइज, इस साल के फुल गियर पेपरियो के जीरो आवर यानी कि बाइंग शो के ऊपर रिकी स्टार्स और ब्रायन केज का मैच हुआ था, जो कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के टूर्नामेंट का सेमीफाइनल्स मैच था और जो कोई सुपरस्टार ये मैच जीतता वो इस टूर्नामेंट के अंदर फाइनल्स के अंदर पहुंच जाता। और कहना पड़ेगा कि फुल गियर पेपरियो के बाइंग शो के ऊपर ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा है, जहां पर फॉर्मर फ्रेंड्स यहां पर बेटर एनिमीज बनकर एक दूसरे के खिलाफ एक बहुत ही बढ़िया मैच डिलीवर कर रहे थे। और हम इस मैच के बारे में डिटेल में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन गाइज, एक बहुत ही बढ़िया मैच के बाद फाइनली यहां पर रिकी स्टार्स ने ब्रायन केज को हरा दिया है और रिकी स्टार्स के मैच जीतकर इस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर वन कंटेंडर टूर्नामेंट्स के अंदर फाइनल्स में पहुंच चुके हैं, जहां पर इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर रिकी स्टार्स का मैच दूसरे फाइनलिस्ट इथन पेज के खिलाफ होगा, जहां पर सच में ये मैच भी देखने के लिए मजा आएगा। क्योंकि अब रिकी स्टार्स लगातार दो बड़े बड़े जायंट्स को हराकर इस वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट के फाइनल्स के अंदर पहुंचे है, पर दूसरी तरफ देखने में लग रहा है इथन पेज का भी टाइम आ चुका है। तो अब देखना पड़ेगा कि अब इन दोनों यंग एंड अपकमिंग सुपरस्टार्स में से AEW कंपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए कौन से सुपरस्टार को नंबर वन कंटेंडर बनाती है और हमें MJF का फर्स्ट एवर टाइटल डिफेंस किसके खिलाफ देखने को मिलता है।
पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में हाउस ऑफ ब्लैक की रिटर्न को लेकर कौन सी बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आप AEW कंपनी के अंदर मैलिका ब्लैक या फिर हाउस ऑफ ब्लैक को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैलिका ब्लैक और हाउस ऑफ ब्लैक दोनों ही AEW कंपनी से जा चुके थे और इनको लेकर ऐसे रिपोर्ट सामने आ रहे थे कि प्रोबेबली मैलिका ब्लैक AEW कंपनी छोड़कर जा चुके हैं और हम इसके बाद मैलिका ब्लैक AEW कंपनी अंदर रिटर्न नहीं करते हुए दिखाई देने वाले। पर यहाँ पर AEW कंपनी के अंदर मैलिका ब्लैक और हाउस ऑफ ब्लैक की रिटर्न की विनियर्स दिखाई दे रहे हैं और मैंने आपसे बात करते हुए कहा था कि गाइज इन विनियर्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबली में हाउस ऑफ ब्लैक काफी जल्दी AEW कंपनी अंदर अपना कमबैक करता हुआ दिखाई दे सकता है और प्रोबेबली इस साल की फुल गियर पेपरव्यू पर हो सकता है। और यही पर हाल फिलहाल में हाउस ऑफ ब्लैक के रिटर्न को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आई है। और गाइज ये अपडेट ये है कि इस साल के फुल गियर पेपरव्यू पर हाउस ऑफ ब्लैक AEW कंपनी में बैकस्टेज था, पर शायद AEW कंपनी के पास हाउस ऑफ ब्लैक के लिए कोई प्लान्स नहीं थे, इसलिए AEW कंपनी ने हाउस ऑफ ब्लैक को फुल गियर पेपरव्यू पर इस्तेमाल नहीं किया। पर गाइज इससे अब ये कंफर्म हो चुका है कि फाइनली हाउस ऑफ ब्लैक AEW कंपनी अंदर अपना रिटर्न करने के लिए रेडी है। तो अब देखना पड़ेगा कि हाउस ऑफ ब्लैक AEW कंपनी अंदर अपना रिटर्न कर कौन सी बड़ी राइवलरी के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करता है। पर अब देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि मैं अगले डायनामाइट शो के ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक अपना रिटर्न करता हुआ दिखाई दे सकता है, जहां पर आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आप हाउस ऑफ ब्लैक को देखने के लिए एक्साइटेड है या नहीं। पर गाइज मेरे हिसाब से इस बार हाउस ऑफ ब्लैक के रिटर्न के बाद हाउस ऑफ ब्लैक के साथ कुछ ना कुछ अच्छी चीजें होनी चाहिए। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले और सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग इनके बीच में कौन सा बड़ा मैच ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। तो गाइज अगर आप AEW कंपनी या फिर न्यू जापान प्रो रेसलिंग कंपनी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे इन दोनों ही कंपनी के टॉप स्टार्स में से एक है और केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे इन दोनों के बीच में रियल लाइफ में थोड़ी फार हीट है, क्योंकि जब से केनी ओमेगा न्यू जापान प्रो रेसलिंग छोड़कर AEW कंपनी अंदर आए थे तब विल ऑस्प्रे न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर केनी ओमेगा की जगह वो टेक ओवर किया था। पर इसके बाद भी केनी ओमेगा विल ऑस्प्रे को काफी भला बुरा कहते हैं और ओमेगा कहते हैं कि ओमेगा के सामने विल ऑस्प्रे कुछ भी नहीं है और दूसरी तरफ विल ऑस्प्रे केनी ओमेगा को काफी कावड़ कहते हैं, जो कि सिर्फ बातें करते रहते हैं और कभी विल ऑस्प्रे के आमने सामने नहीं आएंगे। और इन दोनों की हिस्ट्री रियल लाइफ में भी काफी हीटेड है और प्रोबेबली इन दोनों सुपरस्टार्स में भी रियल लाइफ में काफी हीट है। और माना कि ये दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे के खिलाफ डायनामाइट शो के ऊपर आमने सामने आए थे, पर वो कभी सिंगल्स मैच के अंदर नहीं था। लेकिन गाइस हाल फिलहाल में न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर जब विल ऑस्प्रे अपनी यूनाइटेड किंगडम चैंपियनशिप डिफेंड कर रहे थे तो विल ऑस्प्रे का अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करने के बाद यहाँ पर सरप्राइजिंगली केनी ओमेगा एक वीडियो फुटेज के अंदर आया और यहाँ पर आकर बात करते हुए केनी ओमेगा ने विल ऑस्प्रे को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। और गाइस सॉरी मैं यहाँ पर आपको कोई फोटोज नहीं दिखा रहा, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने न्यू जापान प्रो रेसलिंग फोटो शेयर किए थे तो मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक मिली थी और इस बार मैं सेफ चलना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आपको सिर्फ बताऊंगा कि यहाँ पर क्या हुआ। और यहाँ पर विल ऑस्प्रे ने अपनी चैंपियनशिप रिटेन करने के बाद टाइटनट्रॉन स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर केनी ओमेगा आ गए और यहाँ पर विल ऑस्प्रे से बात करते हुए केनी ओमेगा ने सरप्राइजिंगली विल ऑस्प्रे को न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अगले बहुत ही बड़े पेपरव्यू यानी कि रेसल किंगडम 16 के लिए एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, जहाँ पर केनी ओमेगा चाहते हैं कि रेसल किंगडम 16 के ऊपर विल ऑस्प्रे और केनी ओमेगा इनके बीच में एक वन ऑन वन मैच हो जाए और फाइनली यहाँ पर डिसाइड हो जाएगा कि दोनों सुपरस्टार्स में से बेस्ट सुपरस्टार कौन है, जो चैलेंज विल ऑस्प्रे ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। और गाइस अब इतना बड़ा मैच इस साल के रेसल किंगडम 16 के लिए ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, जो कि मेरे ड्रीम मैचेस में से एक है। तो गाइस अब देखना पड़ेगा कि जब रेसल किंगडम 16 के ऊपर विल ऑस्प्रे और केनी ओमेगा का इतना बड़ा मैच होता है तो ये मैच 5-स्टार लेवल का मैच होता है या फिर 7-स्टार लेवल का, क्योंकि सच में ये दोनों ही सुपरस्टार्स बहुत ही बढ़िया मैच डिलीवर करने की काबिलियत रखते हैं। पर यहाँ पर ये देखने के लिए मजा आएगा कि मैच कौन जीतता है और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये मैच कौन जीतेगा। पर मेरे हिसाब से प्रोबेबली ओमेगा ही मैच जीत सकते हैं, क्योंकि ओमेगा का एक कमबैक है, जहां पर न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर अपने कमबैक मैच के अंदर केनी ओमेगा जीतेंगे तो यहां पर फैंस भी काफी खुश होंगे, जिससे कि हमें आगे भी केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे के बीच में मैचेस की सीरीज देखने को मिल सकती है। इसलिए मैं तो चाहता हूं कि ओमेगा ये मैच जीते, जिसके बारे में आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और देखना भी पड़ेगा कि ओमेगा के साथ AEW कंपनी के और कौन से सुपरस्टार न्यू जापान प्रो रेसलिंग के शोज के ऊपर जाकर परफॉर्म करते हैं। पर ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग इलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?